टेक जायंट गूगल ने कल अपना सालाना आईओ कॉन्फ्रेंस किया और एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स और इनोवेशन की झड़ी लगा दी। वो चाहे हजारों ईमेल का सार बताने जैसे फीचर्स या कुछ शब्दों में वीडियो बना देना या चुटकियों में मुश्किल सवालों के जवाब देना। इस इवेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा गूगल का एआई मॉडल जेमिनी एआई। इसे गूगल के सर्च इंजन से लेकर फोटोज और एंड्रॉइड में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जैसे गूगल का आस्क फोटोज फीचर, जिसमें यूजर को बस एक प्रॉम्प्ट देना है और जेमिनी गैलरी से वो फोटो या फोटोज का टाइमलाइन लाकर सामने रख देगी। गूगल ने अपने सर्कल टू सर्च फीचर को भी एडवांस बनाया है। अब ये स्टूडेंट्स की होमवर्क में भी मदद कर सकता है। बस सवाल पर सर्कल बनाया और जेमिनी उसका जवाब के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताएगी। इतना ही नहीं, जेमिनी एआई मॉडल आपकी स्क्रीन पर चल रहे फोटोज या वीडियोस या टास्क पहचान कर आपके सवालों के जवाब भी दे सकता है। जेमिनी पावर्ड सर्च इंजन भी गूगल सर्च को और आसान बना देगा, क्योंकि कोई सवाल पूछने पर ये कई लिंक्स दिखाने के साथ साथ उनसे ली गई जानकारी से समरी भी आपको दिखा देगा, ताकि आपको किसी जवाब को ढूंढने के लिए कई लिंक्स को खंगालना ना पड़े। और तो और 1500 पेजों के डॉक्यूमेंट्स को भी हैंडल कर सकता है। गूगल ने अपने नए एआई मॉडल्स और फीचर्स के साथ ओपन एआई को भी कॉम्पिटिशन दे दिया है। गूगल का टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन एआई मॉडल वीओ टक्कर देगा ओपन एआई के सोरा को। इस टूल के जरिए आपको बस बताना है कि वीडियो में क्या चाहिए, ये वीओ आपका वीडियो तैयार करके दे देगा। साथ ही इमेज जनरेशन मॉडल इमेजिन 3 तो आपके शब्दों को तस्वीर में बदल देगा। चैट जीपीटी की लेटेस्ट वर्जन चैट जीपीटी 4o की टक्कर में गूगल ने सामने रखा है प्रोजेक्ट एस्ट्रा। ये चैट जीपीटी 4o की तरह ही वीडियो के जरिए यूजर्स के सवालों के जवाब और जानकारी दे सकता है, फिर चाहे वो उनका चश्मा ढूंढना हो या किसी टूटी चीज को ठीक करना। लोगों को स्कैम से सुरक्षित रखने के लिए भी गूगल ने फीचर पेश किया है। अगर कोई कॉल पर यूजर से कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी की मांग करता है तो जेमिनी नैनो अलर्ट कर देगी कि ये कोई स्कैम कॉल भी हो सकता है। गूगल सर्च के नए एडिशन को अमेरिकी यूजर्स के लिए इस हफ्ते, जबकि अन्य देशों के यूजर्स के लिए भी आने वाले महीने में अवेलेबल कराया जाएगा। साल के अंत से पहले 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स तक इसकी पहुँच होगी।